गाइस वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, कुमकुम भाग्य की आलिया टीवी पर करेंगी वापसी, इस शो में आएंगी नजर। इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक टीवी एक्ट्रेस शिखा सिंह सीरियल अपनापन बदलते रिश्तों का बंधन में निखिल यानी कि सिजेन खान और राष्ट्रीय ठाकुर यानी पल्लवी की जिंदगी में तूफान के साथ एंट्री करेंगी। खबरें हैं कि शिखा पल्लवी की बहन के तौर पर शो में नजर आएंगी, जिनका शो में नेगेटिव किरदार होगा। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, झलक दिखलाजा के लिए साई छोड़ेंगी शो, अब आयशा ने कही ये बात। हाल ही में एक्ट्रेस को लेकर खबर सामने आई थी कि वो गुम है किसी के प्यार में को अलविदा कहने वाली हैं, क्योंकि उन्हें कलर्स टीवी पर आने वाले झलक दिखलाजा 10 के लिए अप्रोच किया गया है। इस मामले पर अब खुद आयशा ने चुप्पी तोड़ी है। आयशा ने कहा, मैं झलक दिखलाजा में नजर नहीं आने वाली हूँ। ये सच है कि मुझे मेरे को स्टार्स के साथ डांस करना पसंद है, लेकिन फिलहाल मैं किसी भी डांस रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनने वाली। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, शहनाज गिल ने उठाया मानसून का आनंद, किसानों के साथ मिलकर बोया धान। शहनाज गिल ने नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बारिश के सुहाने मौसम में ट्रैकिंग का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं। कभी वो खेती में जाकर किसानों के साथ धान बोती हैं, तो कभी वाटरफॉल की तलाश में मीलों तक पैदल चलती हैं। इस दौरान वो फैंस से ये कहते भी नजर आए कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि वो अकेली हैं और अकेले ही बहुत खुश हैं। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, सालों बाद टीवी पर लौटेंगे आमिर खान, इस शो के फिनाले में आएंगे नजर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान जल्द ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा के जरिए पर्दे पर वापसी करने को तैयार है। उनकी ये फिल्म 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, लेकिन खास बात यह है कि बड़े पर्दे से पहले आमिर खान टीवी पर धमाकेदार वापसी करेंगे। वो डांस दीवाने जूनियर में बतौर मेहमान नजर आने वाले हैं, जिनसे जुड़ा एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, स्वयंवर खत्म होने से पहले ही मीका सिंह को मिली दुल्हन, या इस हसीना संग लेंगे सात फेरे। हाल ही में मीका सिंह को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई कि उन्होंने अपनी दुल्हन को चुन लिया है। वो हसीना चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और वो हैं नीत महल। नीत महल ने एक टास्क के दौरान अपनी कुकिंग स्किल्स के जरिए मीका सिंह को प्रभावित किया। उन्होंने मीका के लिए खीर बनाई थी, जो बॉलीवुड सिंगर को खूब पसंद आई। इसके अलावा भी कई टास्क में नील महल ने मीका सिंह का खूब दिल जीता था। ऐसे में माना जा रहा है कि मीका सिंह की होने वाली दुल्हनिया कोई और नहीं बल्कि नीत महल ही होंगी। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, ये शो करेगा मीका दी बोटी को रिप्लेस। स्टार प्लस पर जल्द ही इकबाल खान और रचना मिस्त्री का नया शो ना उम्र की सीमा हो आने वाला है। खबरें हैं कि इस शो की शूटिंग अगले हफ्ते उज्जैन में शुरू की जाएगी। वहीं खबरें ये भी सामने आई है कि ये शो मीका दी बोटी शो को रिप्लेस करेगा। टीवी का तड़का, सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, रेजर ब्लेड से उर्फी जावेद ने बनाई ऐसी ड्रेस, उड़ गए लोगों के होश। हाल ही में उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया। इस बार उनकी ड्रेस कपड़े लोहे की या फिर जंजीर की नहीं, बल्कि रेजर ब्लेड से बनाई गई थी। जी हां, उर्फी जावेद ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो रेजर ब्लेड से बनाई हुई ड्रेस में देखी जा सकती हैं, जिसे देखने के बाद लोगों ने उनकी तारीफ तो की ही, लेकिन तारीफ करने से ज्यादा उनकी चिंता भी लोग करने लगे। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।